गाइस, क्या आपका वजन भी कम होने का नाम नहीं ले रहा? इसके लिए आप बहुत तरह की एक्सरसाइज करके थक चुके हैं और बहुत तरह के डाइट प्लान भी फॉलो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि हम डेली जंक फूड छोड़ चुके हैं, एक्सरसाइज घंटों तक करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजन तस से मस नहीं होता, बढ़ता नहीं तो लेकिन कम भी नहीं हो रहा। अगर आप ये सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं तो आज की मेरी बताई हुई ये सिर्फ 3 चीजें फॉलो कर लीजिए और आपका रुका हुआ वजन कम होना शुरू हो जाएगा और आप मन चाहा अपना वजन को घटा सकते हैं, अपनी प्रॉपर बॉडी शेप पा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो देरी किस बात की, फटाफट से जानते हैं कौन सी है वो इम्पोर्टेंट 3 बातें जिनको हमें रोजाना जिंदगी में शामिल करना है और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो छोटी सी घंटी आइकन होती है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। यानी फर्स्ट चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज आपने कैब ले रखी है या आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक स्टेशन पहले उतर जाना है। जैसे आपका डेस्टिनेशन जो भी है नेक्स्ट, उससे आपको एक स्टेशन पहले उतरना है और उतना आपको वॉक करके जाना है। वॉकिंग इतना बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप डेली वॉक करने का आपके पास टाइम नहीं तो इस तरह की आप टिप्स फॉलो कर सकते हैं, स्टेयर्स को चूज कर सकते हैं, एस्केलेटर को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप कैब में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो में हैं, ई रिक्शा में हैं, तो आप अपने घर से कम 10 मिनट की दूरी पहले उतरे, उसके बाद वॉक करके घर पे जाए। घर की जो नॉर्मल जो राशन होता है उसको कॉल करके ना मंगवा के बल्कि अपनी राशन की दुकान पर जाएं और वॉक करते हुए जाएं। घर के जो पास की नियरेस्ट शॉप है उसको अवॉइड करके दूर वाली शॉप पे जाएं। तो इस तरह से आपका जो बिजी शेड्यूल है उसमें से आपको स्पेशल टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा और आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा। वॉकिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने टाइमिंग ठीक करने हैं। बहुत लोगों के टाइमिंग घर में रिवाज होता है कि एक तो उनका शेड्यूल ऐसा होता है वो लेट पहुंचते हैं। जो लोग जल्दी भी पहुंच जाते हैं 6-7 बजे ऑफिस से, लेकिन वो पहले टीवी देखते हैं, गपशप मारते हैं फैमिली वाले मिलकर और रात को 10 बजे तक डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सीधा ही बिस्तर पकड़ते हैं, मतलब सीधा बेड पर लेट जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, अपने इस रिवाज को थोड़ा सा चेंज करना है। डिनर जो है आपने 7-8 बजे तक कर लेना है और उसके 2 घंटे बाद ही आपको सोना है। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आपका पेट जो सबसे पहले बाहर आता है वो स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पेट एक ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी तो घट जाती है, फेस सबसे पहले डाउन होता है, लेकिन पेट जो है वो थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है। तो उस लंबे टाइम को आप शॉर्ट टाइम में कवर कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी टिप है, फॉलो करके देखेगा सिर्फ 1 महीना और उसके बाद रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। और जब अपने अंदर वो चेंजेस देखोगे ना, तो जो एक कॉन्फिडेंस होगा, एक खुशी होगी ना, वो आपको कंटिन्यू उस फ्लो में अपने आप बनाए रखेगी। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी चीज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, पूरा दिन पीना है बहुत ज्यादा पानी। गर्मियां हो या सर्दियां हो, आपको नॉर्मल वाटर पीना है और सर्दियों में आपको पीना है गर्म पानी। अगर आप गर्म पानी या नॉर्मल पानी जितना भी पीते रहेंगे, ठंडा पानी अवॉइड करेंगे, आपकी बॉडी अंदर से साफ होगी, डिटॉक्स होगी, आपका पेट भरा रहेगा और आप एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग से बचेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, वेट लॉस करना चाहते हैं तो पानी में नींबू स्क्वीज करें और उसको पी लें, ये आपके वेट लॉस में बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। अब बारी आती है हमारी सेकंड चीज की। ये तो था फर्स्ट, आपको मैंने 3 चीजें बताई थी। अब दूसरी चीज को आपको फॉलो करने के लिए सिर्फ आसान सी 3 एक्सरसाइज फॉलो करनी है और ये इतनी ईजी है, इतनी इफेक्टिव है कि आपके पेट की जो मसल्स है उनको टाइट करेगी, टोन करेगी और आपके लोअर और अपर बेली पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले प्लैंक। प्लैंक के लिए आपको अपने हाथों पर सपोर्ट लेना है अपनी बॉडी का, इस तरीके से आपको हाथ रखने हैं, अपने पंजों पर आना है, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा डाउन नहीं, इस पोजीशन में रखना है आपने। अगर स्टार्टिंग में आप नहीं रख पा रहे करेक्ट पोस्चर तो कोई बात नहीं, ट्राई करिए, डेफिनेटली आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो रिलैक्स हो जाइए, आपको इसके टाइमिंग इंक्रीज करने हैं, ठीक है। अब बारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको सीधा लेट जाना है मैट पर। आपको जो अपने पेट की मसल है आपको बिल्कुल उसको स्क्वीज करना है। आपको अपने हाथ पीछे आप रख सकते हैं या साइड पे रख सकते हैं, बिल्कुल अंदर आपको पेट को बहुत अंदर खींचना है। मैं तब बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं बिल्कुल सांस अंदर खींचूंगी
और उसके बाद आपको छोड़ना है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके पेट की मसल टाइट होती है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कभी भी कर सकते हो, खड़े होकर भी, बेंच का सहारा लेके भी कर सकते हो या लेट के भी कर सकते हो। आपको कम से कम इस एक्सरसाइज को 10 से 12 बार रिपीट करना है और फिर आप नोटिस करेंगे कि कितना जल्दी आपकी मसल्स वहाँ की टाइट होने लगी है और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। अब हमें करनी है अपनी थर्ड एक्सरसाइज, बाइसिकल यानी एयर बाइसिकल। आप अपने हाथ जो है अपने हिप्स के नीचे रख लीजिए ताकि आपकी बैक को सपोर्ट मिल जाए, आपकी बैक में कोई इंजरी ना हो, और आपको साइकिलिंग करनी है हवा में, एयर बाइसिकल। ऐसा कम से कम आपको 20 बार करना है और उसके करने हैं आपको 4 सेट। रोज़ाना आपको एक्सरसाइज के सेट्स अपने आप इंक्रीज करने हैं। प्लीज़ एक अपने अंदर एक आग लेकर आइए, तभी आप कुछ लाइफ में अचीव कर पाएंगे। गाइज, ये थी हमारी तीनों एक्सरसाइज और ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो बस इनको फॉलो करिए और फिर देखिए कि आपका रुका हुआ वजन कितना जल्दी कम होता है। और ये बहुत इफेक्टिव है, इसके लिए आपको कोई और वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप डेली रूटीन में सिर्फ 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि आपके वो 15 मिनट लाइफ में आप जो पैसे कमा रहे हैं वो आप एटलीस्ट उसको यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ डॉक्टर्स की जेब भरते रह जाएंगे। तो चलिए, ऐसी हमेशा बहुत सारा खुश रहिए, ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखिए। कल की मत सोचिए, आज सोचिए कि मैं आज हूँ, आज जो खुशी है उसको इन्जॉय करूँ। कल के चक्कर में हम आज को भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में सिर्फ दुख भर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा खुश रहें, हंसते रहें, प्यार देते रहें। प्यार देने के लिए कमेंट करो और बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।